वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात माँ गंगा की आरती 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला को समर्पित होगी। फूलों से राम मंदिर का भव्य दरबार गंगा घाट पर सजाया जाएगा। इस दिन एक बार फिर से गंगा तट पर भव्य दिव्य अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 9 अर्चकों द्वारा महाआरती का आयोजन होगा। श्री राम दरबार की आरती उतार कर काशी से शुभकामनाएं दी जाएंगी। शंखनाद से माँ गंगा की आरती शुरू होगी। घंटे घड़ियाल और डमरू की आवाज व वैदिक मंत्रों से पूरे घाट को राममय किया जाएगा। साथ ही प्रभु श्री राम से लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी और राम कीर्तन का भी आयोजन होगा। इसके बारे में बताते हुए गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि भगवान शिव के आराध्य श्री राम जी का अयोध्या में बन रहा भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसे हम सभी काशीवासी समेत गंगा सेवा निधि इस पल को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। ये हम सभी देशवासियों के साथ साथ काशीवासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास के विषय है कि जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को है। उसी उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि द्वारा काशी में जो भगवती माँ गंगा की महाआरती होती है, दैनिक महाआरती होती है, उसको विशेष तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। जैसे कि दैनिक महाआरती में जो अर्चकों की संख्या है वो 7 होती है, लेकिन उस दिन 9 अर्चक जो हैं वो भगवती माँ गंगा की आरती करेंगे। भव्य तरीके से माला फूल से और लाइट से दशाश्वमेध घाट प्रांगण को सजाया जाएगा और लगभग 11,000 दीपक जो हैं वो बन के तैयार हैं। दशाश्वमेध घाट प्रांगण को कोना कोना जो है वो दीपक से सजाया जाएगा और विशेष तरीके का जो है उस दिन प्रसाद जो है वो बन के तैयार होगा, जिसका माँ को भोग लग करके और सभी दर्शनार्थियों में श्रद्धालुओं में जो है वो वितरण किया जाएगा। और भव्यता की बात ये क्या दीपावली से शुरू होगा? जी, जैसे कि विशेष पर्वों पे जिस तरीके से भव्यता देखने को मिलती है, उसी तरीके से उस दिन भी 22 जनवरी को भी जो है वो विशेष तरीके से सजावट किया जा रहा है। उसी भव्यता के साथ, उसी हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाने की तैयारी की जा रही है। जी, इसमें एक प्रभु श्री राम का जो है वो जो 9 अर्चक रहेंगे और उनके साथ साथ जो भी श्रद्धालु रहेंगे आरती में, उन सभी द्वारा एक राम कीर्तन का भी 2 मिनट का संध्या में आयोजन जो है वो किया गया है। आमतौर पर यहाँ 50 से 60 हज़ार देखिए, उस दिन भी जो है वो श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको बढ़ने का अनुमान है और ये जो संख्या है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और अब ऐसा भी हम लोग का विश्वास है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि लोग अयोध्या जाएंगे तो काशी आना भी ज़रूर पसंद करेंगे।